हम इसलिए आए हैं जंगलों में वनों में भारत के संत महात्मा पहुंच नहीं पाते, इसलिए धर्म विरोधी क्या करते हैं, गाड़ियों में किताबें भर भर करके स्कूली बच्चों का दिमाग का ब्रेन वॉश करते हैं। ब्रेन वॉश जानते हो, दिमाग को बदलते हैं। वो तुम्हारे पास आएंगे, किताब दिखाएंगे, वो कहेंगे देखो हली उल्लाह करो चमत्कार हो जाएगा। हाँ, ऐसी बातें बोलेंगे। वो कहेंगे कि तुम रविवार को प्रार्थना करो भूत भग जाएगा। और वो रविवार को तुम्हें बुलाएंगे, तुम्हें बकरियां देंगे, लालच देंगे, पैसा देंगे, और धीरे धीरे करके एक परिवार को पहले तोड़ेंगे, फिर एक समाज को तोड़ेंगे, फिर एक गांव को तोड़ेंगे। और वो ऐसी जगहों पर जाते हैं हलीउल्लाह वाले जहां ज्यादा भीड़ नहीं जाती। हमने सोचा इनकी दुकान हम बंद करवाएंगे, ठठरी बारेंगे। कैसे बारेंगे? तो एक दिन हमने अपने गुरुजी से, पड़े पड़े सन्यासी बाबा से पूछा कि कैसे संभव होगा कि भारत में हिंदू सनातन धर्म बचा रहे। तो हमारे गुरुजी ने कहा बेटा, हिंदू हिंदू कहने से हिंदू नहीं बचेगा। जंगलों में रहने वाले लोगों को घरों पर जाकर उनको हिंदू एकता का संकल्प दिलाना पड़ेगा, तभी हिंदू बचेगा। इसीलिए भारत के जितने बड़े बड़े प्रसिद्ध लोग हैं, भारत के जितने बड़े बड़े महात्मा हैं, साधु हैं, हमने उनके घर घर आश्रमों में जाकर प्रार्थना की है कि आप साल भर में एक बार एक कथा वन में रहने वाले आदिवासियों के बीच में करो, ताकि हलीउल्लाह वालों की दुकानें बंद हो जाए, तभी इनकी ठठरी और गठरी बनेगी। अच्छा, तीसरा कारण सुनो, हम क्यों आए? पूछो, चाय पीने? ये तो मजाक की बात थी, असली बात सुनो, क्यों आए? तीसरा कारण, हमने जब शुक्ला जी के मुंह से पटोली गांव की महिमा सुनी तो धन्य है ये गांव, एक भी FIR नहीं है थाने में। अभी जब मंच में स्वागत समारोह चल रहा हो तो 20 किलो के ऊपर की माला चढ़ रही थी, तो हमें अकेले तो दब जाने। अपन तो बुंदेलखंडी आदमी होशियार है, अपन तो अंग्रेजन हाथी पगड़ा बना दी थी। हम गए विदेश, अभी कुछ देर पहले हम गए वहां न्यूजीलैंड, वहां कुछ अंग्रेज मिलने आए हमसे, बैठ गए। तो वहां के ट्रांसलेटर ने कहा कि ये लोग कह रहे हैं कि गुरु जी की स्पीच तो बहुत अच्छी है, पर अगर ये इंग्लिश बोलते तो बहुत गजब आता। हमने कहा इन ठठरी के बालों से कहो कि तुम्हें अगर हिंदी आती तो और मजा आता। ये टेंशन तुम्हारी है, तुम्हें हमारे प्रवचन सुनना है, हमारी थोड़ी टेंशन है। तुम्हें इंग्लिश नहीं, तुम्हें हिंदी नहीं आती, हमें अंग्रेजी नहीं आती, हिसाब बराबर। अरे वो बोले तुम्हें इंग्लिश ही नहीं आती, हमने तुम्हें कौन सा हिंदी आती? ठठरी के बारे अगर तो हमें दबाओ तो दबा ही नहीं सकते हो, अपन बुंदेलखंडी गुरु है। वो बोले वाह, ऐसा थोड़ी होता है। हमने कहा कैसे नहीं होता, इनकी जरूरत है, इनको जानना है। हमने दो चार अंग्रेजन में देखा, चमत्कार, दिस इज मैन वेरी पावरफुल। कहा ठठरी के बारे राउंड में फंसा ही ना गई थी, नहीं तो छीनेंगे दबा के। जब हम वहां गए, हमारा मजाक बनाया, अंग्रेजी नहीं आती है। हमने कहा अंग्रेजी नहीं आती है तो क्या हुआ, पर हमें हिंदी तो आती है, हम हिंदुस्तानी है। तो जो बात बतानी है सुन लो, तो हम क्यों आए?